हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो आज था संडे और संडे का दिन। आज थोड़ा सा मैं लेट उठी हूँ और लेट उठने की वजह से सोचा आज जल्दी खाने में आज क्या बनाया जाए। तो मैं सोची कि आज चलो थोड़ा कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी का प्लान हुआ, क्या कढ़ी बनाते हैं। तो दही और बेसन को हमने अच्छे से घोल उसका तैयार करके रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने लिया है जीरा, हींग और सरसों, मेथी और दो लाल सूखी मिर्च, ये सारा चीज मैं इसमें डाल देती हूँ। और धनिया, अदरक और हरी मिर्च, के बाद ऐड कर दूंगी प्याज। कढ़ी में भी काम आता है। और अब डाल रही हूँ नमक। नमक जो मैं डाल रही हूँ क्या कढ़ी के लिए भी डाल देती हूँ इसमें। प्याज को बहुत ज्यादा मुझे नहीं पकाना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू और टमाटर। फ्रेंड, हमारा ये अच्छे से टमाटर बिल्कुल पक गया है और बारीक है बिल्कुल। आलू हमने बहुत ही बारीक बारीक डाला था काट के, लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसमें ना बड़ा होना चाहिए तो अच्छा लगता है खाने में। दही का घोल और हमने बेसन का घोल रेडी करके रखा है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, गैस का फ्लेम कम करती हूँ और इसको डाल देती हूँ। बस इसको चलाते रहना है बस। और बहुत लोगों को डर लगता है कि हमने इसमें टमाटर डाल दिया है कढ़ी में तो फट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप देख रहे हैं क्या, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये और फटता भी नहीं है। और मैं इसको करीब फ्रेंड आधा घंटा मैं इसको अच्छे से उबालूंगी, आधे घंटे से ज्यादा ही इसको उबालूंगी तो बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाए इसमें। तो फ्रेंड, अब मैं इसमें जो है ना ये थोड़ी सी बूंदी में डाल देती हूँ इस तरह से। है क्या मैं बूंदी डालूं, तभी आप डालें, नहीं दिल है तो आप ना डालें। और बूंदी का जो पैकेट है वो मार्केट में बहुत अच्छे से मिलता ही है, सबको पता है। फ्रेंड, अब हमारा फाइनल ये बनके बिल्कुल रेडी है कढ़ी। और ये देखिए कलर, आप देख सकते हैं क्या कलर कितना प्यारा आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। तो मैं थोड़ा सा निकल गई हूँ सामने वॉक करने के लिए और बच्चे घर पे ही हैं। बच्चे को बिठा दिया है पढ़ने के लिए क्योंकि बच्चे घूम के आ गए हैं। तो हम और पांडे जी आए हुए हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, लेकिन इसको वॉक भी बोलते हैं, ये बस ऐसे ही हुआ, मस्ती करना, तफरी मारना। ये पांडे जी का भाषा में होता है तफरी मारना, मतलब ये ना ऐसे ही, मतलब वॉक ऐसे ही होता है, वॉक जम के होता है। जब वॉक करने गए तो सिर्फ वॉक ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मैं भी दिखाती हूँ खूबसूरत सा सीन अभी यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। मैं भी ऐसे ही आ गई, थोड़ा सा पता होता है कि इसके अंदर इतना अच्छा है,
जगह तो थोड़ा सा और भी बन ठन के मैं भी आती। ऐसे तो आपको पता है बन ठन के तो मैं कभी रहती नहीं हूँ, ऐसे ही रहती हूँ हमेशा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ करके आती तो थोड़ा सूट करती तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो ये दूसरे दिन का हमारा ब्लॉग है फ्रेंड, और भाभी आई हुई थी जो नोएडा में रहती हैं। बहुत कम ही ऐसे मैं वीडियो शूट की हूँ भाभी के साथ। एक बार याद होगा क्या मैं बर्थडे का ब्लॉग शूट किया था इनके घर से नोएडा से, तो वही भाभी आई हैं जो नोएडा में रहती हैं और बहुत दिनों के बाद आई हैं, क्योंकि जब मैं गृह प्रवेश कर रही थी उस टाइम भाभी गांव में थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था भाभी के वहाँ पे, तो भाभी गांव में ही थी। उसके बाद ये बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आई थी, तो एक दिन भाभी रुकी थी फिर दूसरे दिन ही गई थी वो। और यहाँ पे हम लोग जब बाहर निकले थे तो पास में मंदिर था, तो हम दोनों लोग आ गए मंदिर में पूजा करने के लिए, बस दिया दिखा दिया। और मंदिर के पास में ही फ्रेंड दिया भी मिलता है, घी बत्ती वगैरह ना माचिस वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो घर से लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है कि घर से लाओ। ऐसे भी मैं घूमने आती हूँ तो एक बार मंदिर आती हूँ तो दिया जलाते हुए चली जाती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये ना होना चाहिए हर जगह मंदिर में ये सुविधा। और उसके बाद ये दूसरे दिन का मॉर्निंग का क्लिप था फ्रेंड, क्या हम लोग भाभी ना हमारा बाल बना रही थी तो हेयर स्टाइल कर रही थी, तो एक दिन में मेरा तीन हेयर स्टाइल बना था। तो और वीडियो में आप देखना मैं एक हाथ से पकड़ भी रही हूँ, और इतना मतलब मुझे नींद भी आ रही थी, जब कोई बाल बनाए ना तो थोड़ी नींद आने भी लगती है, तो मैं एक हाथ से सूट भी कर रही थी। मुझे लगा क्यों ना इस पल को भी मैं रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन उतने अच्छे से तो पीछे का नहीं आ पाया कि भाभी ने किस तरह से बनाया, लेकिन फिर भी जो भी आया मैंने शूट कर लिया कि चलो ठीक है जो भी है जैसा भी है। फैमिली मेम्बर के साथ थोड़े से वीडियो क्लिप रहता है ना तो अच्छा लगता है, कभी भी आपको मन नहीं लगे ना तो निकाल के देख लेते हैं हमारे घर कौन आया था कब आया था, तो अच्छा लगता है फ्रेंड। मैं वीडियो तो ज़्यादातर शूट कर ही लेती हूँ लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। क्या एडिट करने के लिए बड़ा ही अच्छे से बैठना पड़ता है, और आजकल जानती है ना कि एक तो व्यूज़ नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा सा मन भी इकट्ठा हो जाता है क्या ब्लॉग क्या बनाऊँ डेली डेली। फिर भी आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट किया करो। और ये देखना ये भाभी ने बनाया था कितना अच्छा लग रहा था ना, क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बाल हो हमारा, लेकिन जितना बाल नहीं है उससे बड़ा हमारा उन्होंने जूड़ा बना दिया। और उसके बाद इधर बिटिया रानी बना रही हैं, भाभी की जो भी लड़की हैं वो बना रही हैं। ऐसे वो बोल रही थी क्या हमारा फ़ोटो नहीं आना चाहिए आंटी, तो उनका तो मैं कोशिश की हूँ क्या ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत पता नहीं दिखना तो नहीं चाहिए, मैं तो कोशिश की हूँ कि उनका फ़ोटो नहीं आए। वो बोल रही थी मुझे वीडियो में नहीं आना है, तो होता है ना सब लोग को पसंद नहीं होता है वीडियो में आना। तो भाभी ने एक स्टाइल बनाया और बेटी ने दो स्टाइल बनाया, दो तरह का। और आजकल के बच्चे फ्रेंड इतने स्मार्ट होते हैं कि पूछिए नहीं, इतनी अच्छी है। हाथों में मेहंदी भी हमारी रात में लगाई थी, इतनी अच्छी मेहंदी लगाई, और मतलब एक दिन में तीन हेयर स्टाइल आप देख लिया। क्लिप तो था नहीं, जो परी का क्लिप वगैरह था वही सारा, नहीं तो प्लेन क्लिप रहता है ना ब्लैक में तो अच्छा रहता है बालों के लिए। और ये देख रहे हैं इतने सारे क्लिप रबड़ लगा लगा के, उस दिन तो मेरे बालों की तो कचुम्बर बन गए थे, लेकिन मुझे लगा चलो कोई नहीं थोड़ा सा मैं भी नए लुक में आ जाती हूँ और थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग भी बताना क्या कैसा लगा। ऐसे आप पीछे का जूड़ा देखना, वो इतने अच्छे से बनाई है क्या, वो भी बड़ा ही मस्त लग रहा था देखने में। उस हिसाब से क्लिप नहीं था मेरे पास, थोड़ा सा रहता तो और अच्छे से वो बनाती। और यहाँ पे देखो किस तरह से आगे मेरे बाल वाल निकाल रहे थे मुझे थोड़ा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना पीछे से, तो आप लोग ज़रूर हमें बताना। और तीसरे स्टाइल वो बनाई है एक, ये तो दूसरा हो गया, और तीसरा स्टाइल यहाँ पर आप देखना क्या, ये भी बड़ा ही अच्छा बनाई थी। और एक हाथ से मैं ना कैमरा पकड़ रखी हूँ, मुझे लगा क्यों ना पकड़ लेते हैं देखते हैं, यदि वो अच्छे से आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो मैं डाल ही दूंगी वीडियो में। और ये देखना हमारी ये चोटी बना रही है एकदम पतली पतली सी, और उसका नए लुक मुझे बड़ा अच्छा लगा ना। कभी कभी थोड़ा सा नए लुक में भी आना चाहिए, ऐसे तो हमारा फेस ना गोल है तो हमें लगता है कि बाल खुला ही रखो तो अच्छा है, ऐसे पूरा बाल वाल समेट के, ऐसे एक तो मैं ऐसे ही बाल समेट के पूरा एक क्लचर लगा लेती हूँ बालों में, थोड़ा सा डिज़ाइन बना देती, तो उस दिन थोड़ा सा लुक मेरा अलग आ गया था।
दिखने में, लेकिन हाँ थोड़े से मेरे बाल भी टूटे क्योंकि सॉफ्ट बाल है तो बाल भी थोड़े से दो तीन डिज़ाइन बनाओ बनाओगे अपने बालों में तो बाल की भी तो हालत ख़राब हो ही जाता है इतने सारे क्लिप लगा लगा के। तो वो भी उधर भाभी भी बता रही थी ऐसे ऐसे लो, और भाभी भी बहुत सारे डिज़ाइन बना लेती हैं, मुझे तो बड़ा बहुत आश्चर्य लगा, क्या बताओ इतनी अच्छी सी डिज़ाइन बना लेती हैं भाभी। और इतना अच्छा फ्रेंड क्या कहूँ, मेहंदी भी इतनी प्यारी मेहंदी लगाई थी, लेकिन आज वही है ना आजकल के बच्चे इतने छोटे से इतना सब कुछ कर लेती हैं तो अच्छा लगता है ना, और ऐसे ही होना भी चाहिए। और ये देखिएगा कि कितनी मस्त वाली ये हमारा ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, जो कि मैं ही अच्छे से सूट नहीं कर पाई हूँ वीडियो, क्योंकि एक हाथ से हमने कैमरा पकड़ा है और एक यहाँ पे मैं देख भी रही हूँ, तो इतना अच्छा लग रहा है।